फिरौन के घर में एक खादिमा यानी एक नौकरानी थी। एक दिन वह फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी। अचानक उसके हाथ से कंघी गिर गई तो उसके जबान से निकल पड़ा बिस्मिल्लाह। तो फिरौन की बेटी ने पूछा, इसका क्या मतलब है? उसने कहा, मेरे और तेरे बाप का रब अल्लाह है। ये सुनकर फिरौन की बेटी ने अपने बाप से बता दिया। तो फिरौन गुस्से में आ गया और उस खादिमा को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, ए औरत, तेरा मेरे सिवा कोई रब है? उसने कहा, हाँ, हम सब का रब अल्लाह है। ये सुनकर फिरौन ने एक बड़ी सी डेग में तेल खौलाने का हुक्म दिया और उस औरत को और उसके बच्चे को डाल देने का हुक्म दिया। फिर फिरौन के हुक्म से उस औरत के आंखों के सामने उसके बच्चे को एक एक कर खौलती हुई तेल में डाला गया। आखिरी में 5 से 6 महीने का बच्चा बच गया। उस औरत को उस बच्चे से बहुत मोहब्बत थी, उस बच्चे की वजह से पीछे हटने लगी। तो अल्लाह की कुदरत से बच्चा बोल उठा, अम्मा जान, बेखौफो खबर, इसमें कूद जाओ। बेशक दुनिया की सजा आखिरत के अजाब के आगे बहुत हल्की है। तो खौलती हुई डेग में कूद गई। अल्लाह हम सबको पक्का और सच्चा ईमान वाला बनाए।